चौथा पाद तीसरे पाद में परमात्मा की प्राप्ति के उपाय भूत भिन्न भिन्न विद्याओं के विषय में प्रतीत होने वाले विरोध को दूर किया गया तथा उन विद्याओं में से किस विद्या के कौन से गुण दूसरी विद्या में ग्रहण किए जा सकते हैं, कौन से नहीं किए जा सकते, इन विधियों का अलग अलग अनुष्ठान करना उचित है या उनमें से कुछ का समुचित भी किया जा सकता है इत्यादि विषयों पर विचार करके सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। अब ब्रह्मज्ञान परमात्मा की प्राप्ति का स्वतंत्र साधन है या नहीं, उसके अंग तरंग परमात्मा की प्राप्ति का स्वतंत्र साधन है या नहीं उसके अंतरंग साधन कौन से है और बहिरंग कौन से है, इन सब बातों पर विचार करके सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए चौथा पाद आरंभ किया जाता है। यहाँ पहले परमात्मा की प्राप्ति रूप पुरुषार्थ की सिद्धि केवल ज्ञान से ही होती है या कर्मादि समुच्चय से, इस पर विचार आरंभ करके करने के लिए वेदव्यास जी अपना निश्चित मत बताते हैं। पुरुषार्थ पर ब्रह्म प्राप्ति रूप पर पुरुषार्थ की सिद्धि इससे यथार्थ ब्रह्म रूप से इसे यथार्थ ब्रह्म ज्ञान से होती है क्योंकि शब्द श्रुति के वचन से यही सिद्ध होता है, ये बादरायण कहते हैं। व्याख्या वेद व्यास जी महाराज सबसे पहले अपना मत बताते हैं कि आत्मज्ञानी शोक मोह से तर जाता है, ज्ञानी महात्मा नाम रूप से मुक्त होने पर परात्पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्मवेता परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, परम देव को जानकर सब प्रकार के पापों बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्रुति का कथन होने से यही सिद्ध होता है कि परमात्मा की प्राप्ति रूप परम पुरुषार्थ की सिद्धि इस ब्रह्म ज्ञान से ही होती है। संबंध उपयुक्त सिद्धांत से जैमिनी ऋषि का मतभेद देखते हुए कहते हैं, कर्म का अंग होने के कारण ब्रह्म विद्या को पुरुषार्थ का हेतु बतलाना अर्थवाद मात्र है। जिस प्रकार यज्ञ के दूसरे अंगों में फलश्रुति अर्थर्ववाद मानी जाती है, ये जैमिनी आचार्य कहते हैं। व्याख्या आचार्य जैमिनी ये मानते हैं कि आत्मा कर्म का वकर्ता होने से उसके स्वरूप का ज्ञान कराने वाली विद्या भी कर्म का अंग है, इसलिए उसे पुरुषार्थ का साधन बतलाना उसकी प्रशंसा करना है। पुरुषार्थ का साधन तो वास्तव में कर्म ही है। जिस प्रकार कर्म के दूसरे अंगों की फलश्रुति उसकी प्रशंसा मात्र समझी जाती है, वैसे ही उसे भी समझना चाहिए। संबंध विद्या कर्म का अंग है, इस बात को सिद्ध करने के लिए कारण बतलाते हैं। आचार दर्शनात् मतलब आचार दर्शनात् श्रेष्ठ पुरुषों का आचार देखने से भी यही सिद्ध होता है कि विद्या कर्म का अंग है। व्याख्या बृहदारण्योपनिषद में ये प्रसंग आया है कि राजा जनक ने एक समय बहुत दक्षिणा वाला यज्ञ किया, उसमें कुरुवत तथा पांचाल देश के बहुत से ब्राह्मण एकत्र हुए थे इत्यादि। चंदुक में वर्णन आया है कि राजा अश्वपति ने अपने पास ब्रह्म विद्या सीखने के लिए आए हुए ऋषियों से कहा, आप लोग सुने, मेरे राज्य में न तो कोई चोर है और न कंजूस है, न मद पीने वाला है, न अग्निहोत्र न करने वाला है और न कोई विद्याहीन है, यहाँ कोई परस्त्रीगामी पुरुष ही नहीं है, फिर उल्टा स्त्री कैसे रह सकती है। हे पूज्यगण, मैं अभी यज्ञ करने वाला हूँ, एक एक ऋत्विजों को जितना धन दूंगा उतना ही आप लोगों को भी दूंगा, आप यहीं ठहरिए। महर्षि उद्दालक भी यज्ञ कर्म कराने वाले थे, उन्होंने अपने पुत्र श्वेत केतु को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था। यज्ञवल्कल भी जो ब्रह्मवादियों में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं, गृहस्थ और कर्म करने वाले थे। इस प्रकार स्तुति में वर्णित श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण देखने से भी यही सिद्ध होता है कि ब्रह्म विद्या कर्म का ही अंग है और कर्मों के सहित ही सर्व पुरुषार्थ का साधन है। संबंध इसी बात को श्रुति प्रमाण से दृढ़ करते हैं। तदिशक श्रुति से भी यही बात सिद्ध होती है। व्याख्या श्रुति का कथन है कि जो ओमकार रूप अक्षर के तत्व को जानता है और जो नहीं जानता, वे दोनों ही कर्म करते हैं, परंतु जो कर्म विद्या ब्रह्म
जो कर्म विद्या श्रद्धा और योग से युक्त होकर किया जाता है वही प्रबलतर होता है। इस प्रकार श्रुति में विद्या को कर्म का अंग बतलाया है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि केवल ज्ञान पुरुषार्थ का हेतु नहीं है संबंध। पुनः इसी बात को दृढ़ करने के लिए प्रमाण देते हैं, विद्या और कर्म दोनों जीवात्मा के साथ आते हैं। ये कथन होने के कारण भी यही बात सिद्ध होती है। व्याख्या, जब आत्मा शरीर से निकलकर आता है तब उसके साथ प्राण, अंतकरण और इंद्रिया तो आती ही है, विद्या और कर्म भी आते हैं। इस प्रकार विद्या और कर्म दोनों के संस्कारों को साथ लेकर जीवात्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन बताया जाने के कारण यह सिद्ध होता है कि विद्या कर्म का अंग ही है। संबंध फिर दूसरे प्रमाण से भी यही बात का सिद्ध करते हैं। आत्मज्ञान युक्त अधिकारी के लिए कर्मों का विधान होने के कारण भी यही सिद्ध होता है। व्याख्या, श्रुति ने ब्रह्म विद्या की परंपरा का वर्णन करते हुए कहा कि उस ब्रह्म ज्ञान का उपदेश ब्रह्मा ने प्रजापति को दिया, प्रजापति ने मनु से कहा, मनु ने प्रजावर्ग को सुनाया, ब्रह्मचारी नियमानुसार गुरु की सेवा आदि कर्मों कर्तव्य कर्मों का भलीभांति अनुष्ठान करते हुए वेद का अध्ययन समाप्त करे, फिर आचार्य कुल से सर्वार्थन संस्कार पूर्वक स्नातक बनकर लौटे और कुटुंब में रहता हुआ सपवित्र स्थान में स्वाध्याय करता रहे, पुत्रों और शिष्यादि को धार्मिक बनाकर समस्त इंद्रियों को अपने अंतकरण में स्थापित करे। इन सब नियमों को बताकर उसके फल का इस तरह वर्णन किया है। इस प्रकार आचरण करने वाला मनुष्य अंत में ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। इस तरह विद्या पूर्वक कर्म करने के विधान से ये बात सिद्ध होती है कि विद्या कर्म का अंग है। संबंध इतना नहीं अपितु श्रुति में नियमित किया जाने के कारण भी कर्म आवश्यक कर्तव्य है, अतः विद्या कर्म का अंग है ये सिद्ध होता है। व्याख्या, श्रुति का आदेश है कि मनुष्य शास्त्र विहित श्रेष्ठ कर्मों का अनुष्ठान करते हुए ही इस जगत में 100 वर्षों तक जीवित रहने की इच्छा करे। इस प्रकार जीवन यात्रा का निर्वाह करने पर तुझ मनुष्य में कर्म लिप्त नहीं होंगे। इसके सिवा दूसरे प्रकार का ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे कर्म लिप्त न होए। इस प्रकार आजीवन कर्मानुष्ठान का नियम होने से भी यही सिद्ध होता है कि केवल ज्ञान पुरुषार्थ का हेतु नहीं है। इस प्रकार जैमिनी के मत का वर्णन करके सूत्रकार अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए उत्तर देते हैं, किंतु श्रुति में कर्मों की अपेक्षा अधिक ब्रह्म विद्या के महात्म का कथन होने के कारण व्यास जी का मत है जैसा प्रथम सूत्र में कहा था वैसा ही है, क्योंकि श्रुति में विद्या की अधिकता वैसी दिखलाई गई है। व्याख्या, जैमिनी ने जो विद्या को कर्म का फल अंग बताया है वह ठीक नहीं है। उन्होंने अपने कथन की सिद्धि के लिए जो युक्तियां दी है वे भी आभास मात्र ही है। अतः बादरायण ने पूर्व सूत्र में जो अपना मत प्रकट किया है वह अब भी जो का त्यों है। जैमिनी की युक्तियों से उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यद्यपि ब्रह्म ज्ञान के साथ साथ लोक संग्रह के लिए या प्रारब्ध अनुसार शरीर स्थिति के निमित्त किए जाने वाले कर्म रहे तो उससे कोई हानि नहीं है, तथापि परमात्मा की प्राप्ति रूप पुरुषार्थ का कारण तो एकमात्र परमात्मा का तत्व ज्ञान ही है। इसके सिवा न तो कर्म ज्ञान का समुचित परम पुरुषार्थ का साधन है और न केवल कर्म ही, क्योंकि श्रुति में कहा है इष्ट और पूर्त कर्मों को ही श्रेष्ठ मानने वाला इष्ट और पूर्त कर्मों को ही श्रेष्ठ मानने वाले मूर्ख लोग उससे भिन्न वास्तविक श्रेय को नहीं जानते। वे शुभ कर्मों के फल स्वरूप स्वर्गलोक के उच्चतम स्थान में वहां के भोग का अनुभव करके इस मनुष्यलोक में या इससे भी अत्यंत नीच के लोक में गिरते हैं। इस प्रकार कर्म से प्राप्त होने वाले लोकों की परीक्षा करके यथार्थ उसकी अनित्यता को समझ कर द्विजों को उनसे सर्वथा विरक्त हो जाना चाहिए तथा ये निश्चित करना चाहिए कि वह कृत यथार्थ स्वतः सिद्ध परमात्मा कर्मों के द्वारा नहीं मिल सकता। अतः जिज्ञासु पुरुष उस पर ब्रह्म
जिज्ञासु पुरुष उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए वेदज्ञ ब्रह्मनिष्ठ गुरु के समीप हाथ में संविदा लिए हुए जाए। इस तरह अपनी शरण में आए हुए शिष्य को ब्रह्म ज्ञानी महात्मा ब्रह्म विद्या का उपदेश करें। ये सब कहकर श्रुति ने वहां ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन किया है और उसे ज्ञान के द्वारा प्राप्त होने योग्य बतलाकर कहा है कि कार्य कारण स्वरूप उस ब्रह्म को जानने पर इस मनुष्य के हृदय की चिच्चड़ ग्रंथि का भेदन हो जाता है, सब संशय नष्ट हो जाते हैं और समस्त कर्मों का क्षय हो जाता है। इस प्रकार श्रुति में जगह जगह कर्मों की अपेक्षा ब्रह्म ज्ञान का महत्व बहुत अधिक बताया है, इसलिए ब्रह्म विद्या कर्मों का अंग नहीं है। संबंध श्रेष्ठ पुरुष का आचार देखने से जो विद्या को कर्म का अंग बतलाया गया था उसका उत्तर देते हैं। आचार का दर्शन तो समान है, अतः उससे विद्या कर्म का अंग है यह नहीं सिद्ध होता। व्याख्या आचार से भी ये सिद्ध नहीं होता कि विद्या कर्म का अंग है, क्योंकि श्रुति में दोनों प्रकार का आचार देखा जाता है। एक और ज्ञाननिष्ठ जनकादि गृहस्थ महापुरुष लोक संग्रह के लिए यज्ञ यज्ञादि करते देखे जाते हैं, तो दूसरी ओर केवल भिक्षा से निर्वाह करने वाले विरक्त सन्यासी महात्मा लोक संग्रह के लिए भी समस्त कर्मों का त्याग करके ज्ञाननिष्ठ हो केवल ब्रह्म चिंतन में रत रहते हैं। इस प्रकार आचार तो दोनों ही तरह के उपलब्ध होते हैं, इससे कर्म की प्रधानता नहीं सिद्ध होती। जिसको वास्तव में ज्ञान प्राप्त हो गया है उसको न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन है और न उसके त्याग से ही। गीता अध्याय 3:70 श्लोक। अतः एवं प्रारब्ध तथा ईश्वर के विधानानुसार उसका आचरण दोनों प्रकार का ही होता है। इसके सिवा श्रुति में यह भी कहा है कि इसलिए कि पूर्वों के विद्वानों ने अग्निहोत्र आदि कर्मों का अनुष्ठान नहीं किया, इस आत्मा को जानकर ही ब्राह्मण लोग पुत्र की इच्छा का त्याग करके विरक्त हो भिक्षा से निर्वाह करते हुए विचरते हैं। याज्ञवल्क्य ने भी दूसरों में वैराग्य की भावना उत्पन्न करने के लिए अंत में संन्यास ग्रहण किया। इस प्रकार श्रुतियों के कर्म त्याग के आचार का भी जगह जगह वर्णन पाया जाता है, इसलिए यही सिद्ध होता है कि परम पुरुषार्थ का केवल हेतु केवल ब्रह्म ज्ञान ही है और वह कर्म का अंग नहीं है। संबंध पूर्व पक्ष की ओर से जो श्रुति का प्रमाण दिया गया है उसका उत्तर देते हैं।